Okay, our next topic is equation of a line in space. तो ये हमारी second exercise है 11.2, ठीक है. तो इसमें देखो 3D की है ये exercise. हमने पिछले में देखा था कि direction cosines और direction ratios कैसे चलते हैं, right? इसमें हम देखेंगे कि एक line जो है वो space में उसकी equation कैसे बताई जाती है. अब स्पेस क्या है? स्पेस 3D होता है, ठीक है. जब हम वर्ड यूज करते हैं प्लेन, तो दैट इटसेल्फ मींस कि टू डायमेंशनल है, राइट. और स्पेस जो है दैट इज 3D. तो अब वो कहता है कि दो केसेस हैं. अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड. आप एक लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है जी. पहला केस कब? इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन. अगर वो एक पॉइंट से पास कर रही है और उसकी एक गिवन डायरेक्शन है. सेकंड है, इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. और अगर दो पॉइंट्स मुझे दिए हैं तब भी मैं एक यूनिक लाइन उनसे निकाल सकता हूँ, राइट. तो दो केस है, एक बाय वन बाय वन हम इन दोनों केसेस को देखेंगे. तो ये पहला केस आ गया हमारा, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हैं, हाँ जी. तो जो फर्स्ट केस आ गया वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी. वो कहता है कि जो एक मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, मतलब इक्वेशन ऐसी लाइन की चाहिए जो एक पॉइंट से पास कर रही है. इस डायग्राम में देखो ए वो पॉइंट है, तो ये जो एल लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे. ए पॉइंट से पास कर रही है और एक बी वैक्टर है उसके पैरल है, ये गिवन है. ये बी वैक्टर गिवन है मुझे, इसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है. तो ये फर्स्ट मेरी कंडीशन होगी. अब इसमें आप अगर देखेंगे कि हम एक लाइन पे रैंडम पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है जी. अब वो रैंडम वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, और जो ए पॉइंट मेरे को गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ए वेक्टर. ये मुझे गिवन है, ए गिवन है मुझे, और यहाँ पे ऊपर बी गिवन है जिसके ये एल जो है पैरेलल है. अब आप देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर दोनों के आगे, तो अब आप देखेंगे कि ए, ये ए पी को भी अगर मैं वेक्टर ले लूँ, या ए पी को अगर मैं ले लूँ, तो ये क्या बनेगा? ए पी वेक्टर जो है वो क्या बनेगा? आर माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस दिस वेक्टर, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर. तो ए पी क्या हो जाएगा? मेरा आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा जी, ठीक है. अब ए पी अगर मेरा आर माइनस ए वेक्टर है और बी के ये पैरेलल है, तो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए ये. तो हम इसको कैसे क्या कहते हैं डिनोट करते हैं? ये हो जाएगा मेरा r माइनस ए, इसको इज इक्वल टू लेमडा बी कह सकता हूं मैं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स को ऐसे ही लिखा जाता है. अब आप यहां से r वेक्टर उठा सकते हैं, तो ये a प्लस लेमडा बी हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया. ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है? दिस इज वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन किसकी है? ये एक ऐसी लाइन की, ठीक है जी, जो कि ए वेक्टर से पास करती है और जो कि वी बी वेक्टर के पैरेलल है. इतना सिंपल है ये. अब इसकी एक होती है कार्टिजन इक्वेशन. कार्टिजन इक्वेशन क्या होती है? कार्टिजन इक्वेशन होती है जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कार्टिजन इक्वेशन. कार्टिजन इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स वाली, ठीक है. अब जो आपका रैंडम पॉइंट P है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड ही रहेगा ये हमेशा, बड़े ध्यान से समझ लो. वो एक्स वाई जेड रहेगा, रैंडम पॉइंट. ए वन जो है, ए जो है वो किससे पास कर रहा है? एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है जी, एक्स वन वाई वन जेड वन. तो ये पॉइंट इससे पास कर रहा है. बी वैक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशोज अगर आप लेंगे तो वो ए बी सी ही लेंगे. अब इस बी को और इस बी को कन्फ्यूज नहीं करना है, ये अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे ही लिया जाता है. कॉम्पोनेंट्स में भी बी एल लिया जाता है, ठीक है. तो जब आप कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे तो ए बी सी होंगे. कहने का मतलब ये वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, ओके. तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. और अब जो बनेगा आर माइनस ए, ठीक है, आर, आप इसको अगर ध्यान देंगे, बी को मैं ट्रांसपोज करके नीचे भी ला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है. और चलो इससे भी आसान तरीका बताता हूँ.
ये आर माइनस है, आर के मेरे क्या हैं, आर के मेरे एक्स वाई जेड है, आई कैप डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ सिंपली। ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी के क्या है, ए बी सी। तो क्या बना, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा ए बन गया, सिर्फ आई कैप वाले लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा ए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए आ गया लेमडा। ऐसे ही क्या होगा, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी हो जाएगा, बड़े आराम से देख सकते हैं आप यहाँ से, वाई माइनस वाई वन ठीक है जी ओवर बी, या इज इक्वल टू लेमडा बी हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। ठीक है, तो ये लेमडा बीच में से हटा दो, इसको आप साइड में रख दो लास्ट में। ठीक है, अब इस लेमडा को भी हटा दो, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था आपको। तो सिर्फ ये जो x माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड वन जेड माइनस जेड वन ओवर सी है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है एक ऐसी लाइन की जो एक्स वन वाई वन जेड वन यानी एक ए पॉइंट से पास करता है और पैरेलल है ए बी सी जिसके कॉम्पोनेंट्स हैं यानी नीचे बी वैक्टर के। ठीक है, तो ये है वैक्टर इक्वेशन और ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। चलो जी, तो ये नीचे देखो हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, राइट। अब नीचे इसको कंपोनेंट फॉर्म्स में अगर आप निकाल लोगे तो बी को आपने वही ए बी सी लिया, तो बी में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, बी इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, और आर जो है एक्स वाई जेड ले लिया आपने और ए जो है एक्स वन वाई वन जेड वन ले लिया, वैल्यूज़ को डाला गया वैसे ही। ठीक है जी, तो ये आपकी अचीव हो गई कार्टेशियन इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई वन वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। अब वो कहता है इसी में आप देखो ए क्या होता है, ए जो होता है आपका वो एल आर होता है, जो पैरेलल वेक्टर बी है मेरा उसके डायरेक्शन रेशियोज है तो उसके डायरेक्शन को साइंस ही होंगे एल इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं L इंटू आर कर दूँ या M इंटू आर कर दूँ या N इंटू आर कर दूँ तो रेशियो में से R कट जाएगा, L एम N बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा है x माइनस एक्स वन ओवर y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन नीचे L एम N लिखा है, तो अगर डायरेक्शन को साइंस आपको पता है तो उससे भी इक्वेशन निकल आएगी आराम से। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन को साइंस पता है जिसके किस वैक्टर के, बी वैक्टर के, तो बेसिकली आपको बी कैप पता है सिर्फ, एल एम एन बी कैप के होंगे ना, तो अगर आपको ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ये पता है वेक्टर जिसके पैरेलल है तो आपको एल एम एन से भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। चलो एग्जांपल देखते हैं अब क्या बोलती है, कि एग्जांपल से हमें और क्लियर होगा। एग्जांपल कह रही है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस, तो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशंस निकालनी है थ्रू द पॉइंट दिस विच इज पैरेलल टू दिस। तो अब ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया मेरा बी वेक्टर जिसके पैरेलल है। ठीक है जी, तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, आर ये हो गया आर वेक्टर, ए वेक्टर ये हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो से आपने वेक्टर बना लिया, तो ए वेक्टर आ गया ये प्लस लेमडा बी। ठीक है जी, अब इस लेमडा की कहानी क्या है, अगर आप खुद सोचोगे आप लेमडा की वैल्यू चेंज करते रहो क्या होगा, ये अगर बी वेक्टर पैरेलल है इसके पैरेलल इनफाइनाइट वेक्टर नहीं आ सकते क्या। ठीक है, लेमडा की वैल्यू बदलते रहो और ये पैरेलल वेक्टर आते रहेंगे, लेकिन इसमें से हमने तो यूनिक लाइन निकालनी है, लेमडा बी से तो इनफाइनाइट वेक्टर आ रहे हैं, ये ए पॉइंट का काम ही यही है, ये तो यही मिलेगा ना आपको, तो इसीलिए तो लाइन यूनिक होगी जो इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है। अब इस पॉइंट से कोई और लाइन पास करके दिखाओ जो बी के पैरेलल है, आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी लाइंस नीचे वाली कैंसल आउट हो जाए, इसीलिए तो यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, ओके, अब ये तो होगी वेक्टर इक्वेशन, ऐसे ही छोड़ दो आप, वेक्टर इक्वेशन इज लाइक दिस ओनली। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो आप किस फॉर्म में छोड़ सकते हो, कि 5 प्लस थ्री लेमडा आई कैप कर दो, 2 प्लस टू लेमडा जे कैप दिस दिस। ठीक है, बट वेक्टर इक्वेशन इज दिस।
अब आप क्या करेंगे, कार्टिजन निकालना आपने, तो कार्टिजन तो हमें वैसे ही याद है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं और वहाँ से भी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, आर को में क्या पॉइंट होता है, एक्स वाई जेड से रिप्लेस करते हैं, ये आ गया जी आर वेक्टर। ए वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, लैम्डा दिस भी, आपने जब लैम्डा के साथ कर लिया तो ये आ गया आई जे के। अब कंपेयर करो, एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा, डिराइव भी ऐसे ही किया था हमने। सो एक्स माइनस, सॉरी एक्स आना यहाँ, एक्स माइनस 5/3 आ गया लैम्डा के बराबर। सेम थिंग जब आप वाई से इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी आ जाएगा, देखो सब ये आ गया, तो तीनों लैम्डा के बराबर है, मतलब तीनों बराबर हो गए। तो ये मेरी कार्टिजन इक्वेशन आ गई, जेड से भी मैं कंपेयर करके निकाल लूँगा, राइट। अब क्या मुझे डायरेक्ट आता था ये, बिल्कुल आता था डायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या था, x माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। एक्स वन वाई वन जेड वन ये पॉइंट है 5 - -4, 5 - -4 से +4 हो जाएगा। ए बी सी चुपचाप यहाँ से 3 - -8, 3 - -8, 1 सेकेंड में इक्वेशन आ गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। अब देखो सेकेंड जो मेरी यूनिकली कैसे लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं, जब लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स आपको जो दिए हैं वो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है, और उनके पोजीशन वेक्टर ए और बी दिए हैं, डायग्राम में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए पॉइंट से पास कर रही है लाइन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स उसके ये दे रखे हैं और पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है। बी से पास कर रही है लाइन दूसरा पॉइंट, एक्स टू वाई टू जेड टू कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, राइट, और बी उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब पहले भी कंडीशन ऐसी थी ऑलमोस्ट, अब हमने एक आर रैंडम पॉइंट पी उठाया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, बिल्कुल पहले की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दिया हुआ था हमें बी वेक्टर ऊपर पैरेलल, जिससे हमने चीज़ों को कोलिनियर कर दिया था प्रूफ। अब क्या है, अब देखो अब भी कंडीशन वही है, आपने ए वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, तो ए पी के बीच में जब मैं लाइन लगाऊंगा तो ये आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही, एब्सोल्यूटली द सेम वे। अब इसमें क्या था, हमने आर माइनस ए को ऊपर हमें बी वेक्टर था मिल गया यहाँ पे, उसके पैरेलल कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर था उसके पैरेलल मैंने कर दिया था, तो कोलिनियर डाल दिया था बस, लेकिन अब तो ये मेरे पास है नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। तो किसके पैरेलल हो सकता है ये, क्या ये खुद इस लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता, ए बी के पैरेलल नहीं हो सकता क्या ये, ए बी के पैरेलल बिल्कुल हो सकता है ये। तो ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए बी आप ध्यान देंगे अगर तो ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर बी जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ए जा रहा है, तो ए बी क्या है, ए बी ए साथ साथ ही बना रहा हूँ बिल्कुल, बी माइनस ए नहीं है क्या, ठीक है। तो क्या बन गई मेरी सिचुएशन कि आर माइनस ए वेक्टर इज कोलिनियर विद या पैरेलल टू बी माइनस ए, तो लैम्डा डाल दूं आगे बी माइनस ए, बस जी होगी कहानी खत्म, सिचुएशन हमने समझ ली अच्छे से। तो आर क्या आ गया वेक्टर, इट इज ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है, क्या फर्क है, वहां पे अकेला बी था और वो बी पैरेलल वेक्टर था, यहाँ भी वही पैरेलल वेक्टर है, लेकिन टू पॉइंट से बना लिया हमने बी माइनस ए से वेक्टर। ये है जी मेरी वेक्टर इक्वेशन। अब इसकी कार्टिजन इक्वेशन क्या होगी, तो कार्टिजन इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आर की जगह एक्स वाई जेड डालना है, ए की जगह एक्स वन वाई वन जेड वन डालना है, मैं सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज में बात कर रहा हूँ, प्लस लैम्डा बी माइनस ए इज वॉट एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है जी। तो ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे
बी माइनस ए के, ठीक है, ए के और आर के। अब आप करेंगे तो क्या होगा, आर की जगह एक्स एक्स आई आई के सारे इकट्ठे कर दो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एक्स वन प्लस लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, लेकिन लेमडा में लास्ट में लिखूंगा। वाई का भी ऐसे क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन। ये लेमडा के बराबर है सारी, तो आपस में तीनों इक्वल होगी, ठीक है जी। यहाँ अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो ये मेरी कार्टिजन इक्वेशन आ गई। अब मैं पीछे पिछले उससे याद करूँ तो फ़र्क क्या है, जब मेरा यहाँ पे फ़र्क जो है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यहाँ पे जब मेरा सिर्फ बी माइनस ए चेंज है बी वैक्टर की जगह, तो यहाँ पर भी तो आप गौर करोगे सिर्फ बी माइनस ए की, वो बी वैक्टर की जगह बी माइनस ए है, क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, b माइनस ए के एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, यही तो होंगे मेरे ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल क्लियर है हमें। चलिए जी, तो अब आप देख सकते हैं r माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा b माइनस ए है, ठीक है जी। कॉलोनियर वैक्टर निकाल लिया था हमने ये, फिर a प्लस कर दिया हमने उधर ले जाके, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, किसकी, वेक्टर इक्वेशन लाइन की। अब आपने कार्टिजन करनी है, तो कार्टिजन में फिर वही आर को जो हम डालते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट, और दूसरे को क्या डालते हैं हम, ए को हम एक्स वन वाई वन जेड वन डालते हैं, ये ए आ गया आपका और ये बी आ गया एक्स टू वाई टू जेड टू, इन्हीं दो पॉइंट से जा रही है लाइन। तो आर इज इक्वल टू, जो ये आर दिया हुआ आपको, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, बी माइनस ए बड़े आराम से एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है जी। कोफिशेंट्स को कंपेयर कर दो, आ गया जी आपका यही वाला फॉर्मूला, कार्टिजन फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टिजन फॉर्म, एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेवन, फाइंड द वैक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है जी। आप मुझे ये देखो दो पॉइंट दिए गए हैं और वैक्टर इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इनसे पास कर रही है, तो ये क्या है, ये आपका ए वैक्टर है, ये आपका बी वैक्टर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है मेरी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। तो ए वेक्टर इसको लिख देते हैं, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये आ गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए आप करेंगे तो थ्री माइनस माइनस वन प्लस वन, देखो यहाँ कर रखा है उसने ए बी करके बी माइनस ए निकाल लिया, तो ये आ गया आपका, तो बी माइनस ए को एज इट इज लिख देना यहाँ पे हमने, ठीक है। तो ये तो है वेक्टर इक्वेशन, राइट, उसने कार्टिजन मांगी ही नहीं, सिर्फ वेक्टर ही मांगी है इसमें। बट अगर कार्टिजन भी होगी तो आप कैसे करेंगे, कार्टिजन होगी तो आप इसको सिंपल करेंगे x माइनस, मैं कलर चेंज करता हूँ, कार्टिजन इक्वेशन का फॉर्मूला इज x माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर z2 टू माइनस जेड वन। तो मांगी नहीं है लेकिन जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमें यहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी। तो x माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है ए वाला, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वन हो जाएगा, x2 टू माइनस एक्स वन तो आप यही उठा लो, फोर 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 ही आएगा नीचे तो, ठीक है। और इधर क्या आएगा y माइनस वाई वन जीरो है जो कि नीचे फोर आएगा, और z माइनस जेड वन जो कि टू है और नीचे आपका फोर आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, कार्टिजन इक्वेशन इसी लाइन की, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एट, द कार्टिजन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, ये कार्टिजन इक्वेशन दी हुई है,
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन है तो मुझे पता है ये जो थ्री, ठीक है, माइनस थ्री आएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से फाइव निकल के आएगा और यहाँ से माइनस सिक्स निकल के आएगा। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन होती है जो लाइन की, ठीक है जी। अब ये जो x1, y1, z1 है ये क्या होता है, ये तो वो होता है जिससे लाइन पास कर रही है पॉइंट, तो ये मेरा x1, y1, z1 ये पॉइंट हो गया जिससे पास कर रही है लाइन, और ए बी सी किसके वो होते हैं मेरे डायरेक्शन रेशोज, ये होते हैं बी वेक्टर जो पैरेलल है। सो बी वेक्टर क्या हो गया आपका, उसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो गए, 2, 4, 2, 2, 4, 2, ठीक है। तो अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन इज सिंपली ए प्लस लेमडा बी, है ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होती है। तो ए क्या हो गया आपका, ए तो यही है, सो माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के प्लस लेमडा बी लिख दो, टू आई कैप प्लस फोर जे प्लस टू के, बस खत्म। दिस इज आर लगाओ, दिस इज माई वेक्टर इक्वेशन। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में मुझे, स्पेस में दो लाइन्स हैं उनके बीच में मुझे एंगल बताना। तो देखो दो लाइन दी हुई हैं थ्री डायमेंशन में, एल वन एल टू, तो इनके बीच में मुझे एंगल बताना है कॉस थीटा, सॉरी थीटा जो है वो कैसे निकलेगा। अब आप देखो कि जब हम वेक्टर्स में इस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा उसके डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है। अब इसमें कैसे वो चीज़ है, जो लाइन टू है वो किसी वेक्टर के तो पैरेलल है ना, जैसे हमने वो निकाली थी तो बी वेक्टर के पैरेलल तो है ना, है ना, और ऐसे ही आपका जो बी वन कह लो इसे आप, ऐसे ही आपकी जो एल वन लाइन है बी टू को, सॉरी एल टू बी टू के पैरेलल है, और एल वन जो है वो बी वन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब जो बी वन बी टू में अगर एंगल होगा वही तो इन दोनों में एंगल होगा, तो बी वन बी टू में एंगल निकाल लेंगे हम। अब बी टू जो है उसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, ए टू बी टू सी टू, और बी वन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, ए वन बी वन सी वन, ठीक है जी। तो इनके बीच में एंगल निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऊपर दोनों का, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू सी वन सी टू। भाई अगर हम बी वन डॉट बी टू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी वन का मॉड्यूलस बी टू का मॉड्यूलस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बी वन बी टू का डॉट डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, तो ये यहाँ करा गया, ठीक है। फर्दर हमने ये और मैग्नीट मॉड्यूलस और लगा दी, क्यों लगा दिया, हम नेगेटिव वैल्यूज को बिल्कुल हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, उससे हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा भाई, ये दोनों लाइन आपस में अगर ये थीटा एंगल बना रही हैं तो ये एंगल भी तो बना रही हैं, एक ऑप्टिक्यूज एंगल बन रहा है, एक एक्यूट बन रहा है, तो इस मॉड्यूलस के लेने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो कॉस थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जब वो जीरो से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो इस मैग्नीट्यूड लेने से हमारा का थीटा जो है वो एक्यूट एंगल निकल के आएगा, ठीक है जी। तो आपका ये जब बी वन बी टू आप करेंगे तो आप इन डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट कर देंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, नीचे मैग्नीट्यूड कर दिया अलग अलग, ठीक है। बी टू का मैग्नीट्यूड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, और बी वन का मैग्नीट्यूड ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये मेरा आ गया जी कॉस थीटा। तो इससे मैं कॉस इनवर्स करके आगे एंगल भी निकाल सकता हूँ, थीटा भी निकाल सकता हूँ, राइट। अब देखिए क्या मैं साइन थीटा से कुछ निकाल सकता हूँ, देखो सेम चीज़ है, ये ऊपर इस तरह रख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू ये पूरी जो ऊपर है यही डाल दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से मॉड हट जाएगा, नीचे से रूट हट जाएंगे, ओके। अब इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया आपने, इसको आप खोलो, जब आप पूरा इसको खोल लेंगे होल स्क्वायर वगैरह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लेंगे और इधर इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर प्लस दिस,
ठीक है, ये मैं आपको याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, याद नहीं करना, जस्ट समझ लो सिर्फ कि साइन थीटा इक्विवेलेंट जब कॉस थीटा वो होगा तो साइन थीटा ये होगा, राइट। इसको जस्ट ये देख लो कि ऊपर जो न्यूमरेटर है ना वो किस काम आएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि तो इस पे देखो आप कि जैसे ही आपका ये साइन थीटा है, ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला जो था कॉस थीटा का था उसमें आपको आराम से समझ आ जाएगा। साइन जब कोई दो लाइंस पैरेलल होंगी उस केस में क्या होगा, उस केस में साइन थीटा ज़ीरो हो जाता, तो साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ज़ीरो होगा। तो ऊपर वाला पोर्शन जब ज़ीरो होगा अब तो ये भी किसी का स्क्वायर जो है, तीन जब स्क्वायर हैं मेरे पास तो वो ज़ीरो कब होंगे, वेन देर इज़ समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो तीनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है, अदरवाइज नेगेटिव तो ही हो नहीं सकता, कैंसिल आउट कैसे होंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, एट द सेम टाइम वाई भी ज़ीरो होगा और जेड भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ज़ीरो डालिए, जैसे ही आप ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन को ज़ीरो डालेंगे तो आपका ये ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन आ जाएगा। आपका ये देखोगे तो a1 वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू आ जाएगा, ऐसे ही अगले को डालोगे तो b1 वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू आ जाएगा। ये कंडीशन किसकी आ गई, पैरल लाइन्स की आ गई। तो इसके थ्रू भी हम पहले भी देख चुके हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में जब कोलिनियर होते हैं वैक्टर्स तो यही कंडीशन होती है, तो यहाँ से भी हम डिराइव कर लिया हमने कि पैरल लाइन्स की कंडीशन ये होती है, राइट। अब वापस से अगर मैं चलूँ आपको ये कॉस थीटा वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस का तो आपने देख लिया, तो अगर परपेंडिकुलर हुई लाइंस तो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस में कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो जब कॉस 90 ज़ीरो होगा तो ऊपर वाली चीज़ ज़ीरो होगी, तो दैट मीन्स ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो किसकी कंडीशन होगी, जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं, व्हेन एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, ठीक है, क्लियर है। और जब पैरेलल वाली कंडीशन क्या थी कि ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू व्हेन एल वन इज पैरेलल टू एल टू, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपको दो लाइंस की सिर्फ डायरेक्शंस पता है यानी उनके यूनिट वेक्टर्स पता है तो भी आप एंगल निकाल सकते हैं, तो बस ए वन ए टू की जगह आपका एल वन एल टू टाइप का आ जाएगा। अब इसके नीचे के वो कहेंगे क्या कहते हैं जो रूट में मैग्नीट्यूड थे, तो मैग्नीट्यूड तो वन होता है नीचे, तो नीचे डिनोमिनेटर वन इंटू वन वन ही रह जाएगा, तो कॉस थीटा आपका सिंपली ऐसे निकल आएगा, ठीक है। और नीचे आप देखो ये देखो उसने बोला होगा नीचे सारा, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वन होगा, ओके। साइन थीटा भी उसने ऐसे ही करके दिखा दिया, ठीक है जी, तो साइन थीटा में भी नीचे वाला पोर्शन वन हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब आगे जो कंडीशंस है, परपेंडिकुलर जब होती है हमने देख लिया थीटा 90 डिग्री होगा तो किस कंडीशन में होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। पैरेलल की कंडीशंस क्या होंगी, ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, ये हम अच्छे से देख चुके हैं अभी पीछे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल मुझे निकालना है कि जब दो लाइंस की इक्वेशंस आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको दी हुई हैं तो कॉस थीटा आपको दो लाइंस है, अब ये देखो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे ये कि ये दो लाइंस हैं तो कैसे निकालूंगा मैं। तो आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल है बी वन के, पहली लाइन, लाइन टू जो है इसके पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल निकाल दो बस, कॉस थीटा इज बी वन डॉट बी टू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बी टू, और फाइनली उनका फिर से मॉड्यूलस ले लेना मैग्नीट्यूड, तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, है ना। तो ये देखो एक्यूट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट एंगल थीटा। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में आपको लाइंस ऐसे दी होंगी एल वन एल टू, ये ऊपर एल वन दी हुई है, ये एल टू दी हुई है, तो जस्ट वेट मैं नीचे लेके चलता हूँ। वैसे तो सिंपल है, यहीं पर अगर एक मिनट के लिए बात करूँ तो ये देखो ये बी वन ये नहीं मिल रहा क्या आपको, उसके डायरेक्शन रेशोज, और बी टू ये मिल रहा है, तो बस इसी में डॉट में फंसा दो आप, तो ऊपर वाला डॉट क्या आएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू
प्लस सी वन सी टू ओवर मैग्नीट्यूड ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस ले लेना, एक्यूट एंगल थीटा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। सो सी दिस कॉस थीटा इज दिस, राइट। अब ये देखो एग्जाम्पल नाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस एंड आर इज इक्वल टू दैट। अब आप इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वेन एवर यू लुक एट द लाइन्स पे स्पेसिफिक अटेंशन टू दिस वैक्टर जिसके वो पैरेलल है लाइन। तो एल वन लाइन दिस है, एल टू लाइन दिस है, इसके पैरेलल है ये। सो दिस इज बेसिकली बी वन एंड दिस इज बेसिकली बी टू वैक्टर। अब आप इनको ना इन वैक्टर्स को भी ध्यान से देख लेना, ये वन है, ये थ्री है, ये टू है, ये टू है, ये टू है, सिक्स है। कई बार क्या होता है यहाँ पे सेम दिया होता है तो बेसिकली दे आर बी वन बी टू पैरेलल होते हैं आपस में। इस केस में बी वन बी टू आपस में पैरेलल नहीं है तो यहीं से देख के आइडिया लग जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों कोलिनियर वैक्टर्स हो गए तो अपने आप नहीं हो गया कि ये पैरेलल है, ठीक है। सो यहाँ से आपको सबसे पहले देखना है। अब अगर ये पैरेलल यहीं होते तो हमारा एंगल सीधा जीरो आ जाता, लेकिन ये पैरेलल नहीं है तो हम एंगल करेंगे इन दोनों के बीच में, हम अपना एंगल ढूंढ लेंगे बी वन और बी टू के बीच में कॉस थीटा से। तो इनके बीच में एक्यूट एंगल आ जाएगा कॉस थीटा वाला। सो सी हेयर सॉल्यूशन, बी वन ले लिया इसने, बी टू ले लिया, दोनों के बीच में एंगल निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट करके, आराम से उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, आंसर इज दिस ओनली 19/21 आ गया, कॉस इनवर्स कर लिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अब वो एग्जाम्पल टेन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन के साथ चाहता है कि अब आपका ये पता चले। ओके, अब कार्टेशियन इक्वेशंस इज व्हाट, सी दिस एंड दिस। अब इसमें आपको एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस निकालना है, तो ये तो एल वन हो गई, ये एल टू हो गई। एल वन में आप देखेंगे तो ये नीचे क्या है मेरे पास, ए वन बी वन सी वन, ये डायरेक्शन रेशोज बी वन वैक्टर के हो गए, ये वाले डायरेक्शन रेशोज आपके बी टू वैक्टर के हो गए। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल देते हैं, जस्ट बाय मेरली एट लुकिंग एट दीज वैक्टर्स हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं है, दिख गया हमें। तो हमने कॉस थीटा निकाला। अब कॉस थीटा क्या होता है, बी वन डॉट बी टू वाला, अब ये कॉम्पोनेंट फॉर्म है तो डॉट करेंगे तो थ्री इंटू वन आएगा, फाइव इंटू वन आएगा एंड फोर इंटू टू आएगा, ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कर दिया जी। नीचे इनके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर और नीचे से वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर आ गया। ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका, ठीक है जी। तो ये आपका फुली सॉल्व करके आ गया, राइट। रैशनलाइज करने की जरूरत पड़े तो रैशनलाइज डू रैशनलाइजेशन। हैंस रिक्वायर्ड एंगल इज कॉस इनवर्स, क्योंकि ये तो कॉस थीटा। अच्छा मैग्नीट्यूड करना मत भूलना एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है जी। सो मेरा एक्यूट एंगल जो रिक्वायर्ड है इनके बीच में वो ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो अब इसमें आप देखेंगे कि पैरेलल लाइंस के बीच में भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और स्क्यू लाइंस के बीच में। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, देखो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो अब आप कहोगे ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, क्योंकि हमने आज तक ये पढ़ा कि एक प्लेन में अगर दो लाइंस होती हैं या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। तो हम प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेस की बात कर रहे हैं एंड स्पेस इज थ्री डायमेंशनल। अब मैं आपको ये जो डायग्राम सामने दिख रही है, मैं आपको बोलता हूँ आप अपने कमरे में, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं ना उसकी दो दीवारों को देखो, आपके राइट और आपके लेफ्ट की। अगर मैं आपके लेफ्ट वाली दीवार पे, आप सपोज यहाँ बैठे हुए हो, आपके लेफ्ट वाली दीवार पे मैंने एक लाइन खींच दी और आपके राइट वाली दीवार पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो क्या कभी वो पैरेलल, क्या वो पैरेलल हैं, नहीं है, हो भी सकती हैं बट नहीं है, आप टेढ़ी मेढ़ी खींचो। तो
क्या वो पैरेलल है? नहीं है। क्या वो इंटरसेक्टिंग है? नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि वो नॉन कोप्लेनर है, वो एक प्लेन पे नहीं है। दो दीवारें मतलब दो अलग अलग प्लेन्स। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन क्या हुई कि एक तो लाइंस नॉन कोप्लेनर हैं, दूसरी वो लाइंस पैरेलल नहीं हैं और वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो ऐसी दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम वो देखेंगे। राइट, अब हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस हमें समझ आती हैं, अब उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो जो दो स्क्यू लाइंस हैं, जैसे कि ये L1 है एक स्क्यू लाइन और ये L2 है एक स्क्यू लाइन। अब ये L1 किसी लाइन वन की इक्वेशन, L1 की इक्वेशन ये है R इज इक्वल टू ए प्लस ए वन प्लस लेमडा बी वन। लाइन टू की वेक्टर इक्वेशन ये है R इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा म्यू बी टू। ठीक है, सो अब ये बी वन बी टू क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है। ए वन सपोज ये एस को मैं ए वन ले लेता हूँ और टी को मैं ए टू ले लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव पोजिशन वैक्टर्स आ गए ये। ओके, अब बी वन मैं यहाँ ले लेता हूँ और बी टू मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके फिर से इसको प्लॉट करता हूँ आपके लिए। चलो जी, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने। अब ये देखो, दिस इज लाइन L1 जो R इज इक्वल टू ए प्लस, इसको भी थोड़ा नीचे लिखूंगा, ये B1 के पैरेलल है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है R इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन। ये लाइन टू है ऊपर वाली L2, ये B2 के पैरेलल है। इक्वेशन क्या होगी, आर टू इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। राइट, पोजिशन वैक्टर्स रिस्पेक्टिवली, एस को हम ए वन ले लेते हैं क्योंकि आर ए वन से पास कर रहा है, मतलब एल वन जो ए वन से पास कर रही है, तो दिस इज ए वन एस, ये पी है, ये टी है, ए टू पॉइंट ले लेते हैं पोजिशन वैक्टर इसका। ठीक है, अब स्टोरी क्या है कि एस टी ये मेरा ए टू माइनस ए वन हो गया वेक्टर। अब पी क्यू क्या चीज़ है, पी क्यू डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट। ठीक है, इन दो लाइन के बीच में, दोनों पे परपेंडिकुलर है तभी शॉर्टेस्ट होगा ना। तो अब आप देखो, मेरे पास एक वेक्टर है बी वन और एक वेक्टर है बी टू, इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा पी क्यू। तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जब पी क्यू होता है तो वो कौन सा वेक्टर होता है, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर होता है वो। अब एस टी की प्रोजेक्शन अगर मैं पी क्यू पे निकाल दूं तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा क्या, पी क्यू ही आ जाएगा। और एस टी की प्रोजेक्शन अगर आप पी क्यू पे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एस टी डॉट पी क्यू का कैप है ना, यही होती है प्रोजेक्शन। तो एस टी इज ए टू माइनस ए वन और पी क्यू का कैप क्या होगा जी, बी वन क्रॉस बी टू का वो निकालना पड़ेगा आपको यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका, आप क्या करेंगे यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे, तो ये मॉड्यूलस ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये एन कैप आ जाएगा टाइप ऑफ पी क्यू कैप हो जाएगी है। तो बस हो गया काम मेरा। तो अब आप देखो, इसने एन कैप निकाल लिया यहाँ पे, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन इंटू बी टू का मैग्नीट्यूड। अब पी क्यू क्या है, डी इंटू एन कैप ले लिया। ठीक है, तो ये देखो ये नीचे जा रहा है। अब इसने पी क्यू को, यहाँ पे हमें पी क्यू दिख रहा है, क्यू जो है ये ऊपर वाला है, क्यू जो है इसमें मिसिंग है, दिस इज क्यू। सो पी क्यू ही निकालना हमने, एस टी कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल ठीक है, एस टी कॉस थीटा। ठीक है जी, थीटा किसके बीच में एंगल हो गया, एस टी और पी क्यू के बीच में।
तो उसको हमने फिर क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली इसने। अब इसने क्या किया, पी क्यू की वैल्यू डाल दी। पी क्यू की वैल्यू क्या है, डी इंटू एन वैक्टर, ये जो हमने निकाल ली थी एन कैप, ठीक है जी। उसके बाद इसने पी क्यू को डी एन डाल दिया और एस टी को क्या डाल दिया, ए टू माइनस ए वन, ये हमने भी यहाँ पे लिखा था ए टू माइनस ए वन। नीचे उसने पी क्यू का डी ले लिया मैग्नीट्यूड, एस टी को एस टी रहने दिया, और इसमें उसने क्या किया, एन कैप की वैल्यू डाल दी बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है जी, और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी हो गया। अब उसने यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ से आपको क्लियर, डी की वैल्यू निकाल ली पी क्यू एस टी कॉस थीटा, एस टी की वैल्यू डाल के वापस एस टी एस टी कट जाएगा क्योंकि कॉस थीटा में नीचे एस टी आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी, डी आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ इतने की ज़रूरत क्या है, हमने बोला सीधा प्रोजेक्शन निकालो ना एस टी की पी क्यू पे, तो हमारे पास ये जो बी वन जो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं सीधा प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ एस टी की, डार्क कलर लेता हूँ थोड़ा, तो एस टी डॉट पी क्यू कैप होना है ना सिंपल, बस इसको ऐसा कुछ देखो ही मत। एस टी क्या है, ए टू माइनस ए वन, डॉट किससे करना है, पी क्यू कैप से। पी क्यू क्या है, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, वो यूनिट वेक्टर, सो बी वन क्रॉस बी टू का यूनिट वेक्टर, हो गया बस खत्म, यही है मेरा डिस्टेंस। आप देखो उसने भी लिखा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया डिस्टेंस के लिए, ठीक है। बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू, ये क्रॉस नहीं है माइनस है, गलत है यानी शायद, ए टू माइनस ए वन ओवर बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, सिंपल आंसर, ठीक है। अब आप इसकी कार्टिजन फॉर्म भी बदलेंगे तो भी बहुत सिंपल रहेगी। नाउ सी द कार्टिजन फॉर्म, इसको बस आपको जो ये ऊपर वेक्टर इक्वेशन हमें समझ आई थी इसी को चेंज करो बस, ये ए टू माइनस ए वन है, ठीक है। आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ए टू माइनस ए वन को टॉप लाइन पे रखोगे, ए टू माइनस ए वन इज़ क्या, ए टू क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू, दूसरा पॉइंट है, और ए वन क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ए टू माइनस ए वन इज एक्स टू माइनस ए वन पहली रो, जेड टू माइनस जेड वन, आ गया जी ए टू माइनस ए वन टॉप में। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब भी हम किसी वेक्टर को डॉट करते हैं और अंदर क्रॉस होता है तो हम डॉट वाला टॉप रो रखते हैं और क्रॉस वाली फिर सेकंड और थर्ड रो। सो क्रॉस वाली बी वन क्रॉस बी टू, ये बी वन आ गया, ये आपका बी टू आ गया, डिटर्मिनेंट को इसको सॉल्व करोगे आपका एक बार में आ जाएगा ऊपर वाली चीज़, डिवाइडेड बाय क्या है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस तो आपको आता है निकालना, बी वन बी टू का क्रॉस करके मॉड्यूलस। अब क्रॉस में सिंपल यही होता है, आप क्रॉस का आप सबको आता है निकालना, जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, राइट। और उसका उसने मॉड्यूलस निकाल लिया, तो इतना सिंपल है ये इसका निकालना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे भी बड़े आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये है इसकी कार्टिजन फॉर्म। इसने यहाँ पे देखो एल वन एल टू लाइन पहले ही कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, तो इससे भी आपका आसान हो गया, बात तो वही आई, बी वन ये रहा, बी टू ये रहा, ए वन ये रहा और ए टू ये रहा, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप इसे वैसे निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, आप पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको एल वन दिख रही है लाइन, एल टू दिख रही है, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एल वन की इक्वेशन ये आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा, अब यहाँ पे बी वन नहीं है, एल टू की इक्वेशन देखो आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी, तो इसमें बी वन बी टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, मतलब ये किसी एक तीसरी लाइन के बी के पैरेलल हैं, ठीक है, तो दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं इसलिए आपस में भी पैरेलल हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ बी आया। अब आप देखेंगे कि दो पॉइंट्स हैं एस और टी, वही हमारे एस का पोजीशन वेक्टर ए वन है, टी का पोजीशन वेक्टर ए टू है, ठीक है। अब इसमें मैं बी वन क्रॉस बी टू टाइप का तो ले नहीं सकता हूँ, सो व्हाट आई डू, मेरे को बी वेक्टर तो है मेरे पास और ए टू माइनस ए वन वेक्टर भी है मेरे पास, ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन और बी में ले लेता हूँ।
अच्छा, आपका जो ये डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये आपको ए टू माइनस ए वन, अगर मैं थीटा जो है अब ए टू माइनस ए वन एस टी और पी एस वैक्टर में ले लूँ, यानी कि बी के साथ भी वही बन रहे हैं, तो ये साइन थीटा टाइप का हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन साइन थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों का क्रॉस करने वाला हूँ, ए टू माइनस ए वन का और बी का। कहने का मतलब मैं एस टी और बी का क्रॉस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बी इंटू एस टी आपने क्रॉस कर दिया, इन दोनों के बीच में एंगल भी थीटा है, सो ये आ गया बी एस टी साइन थीटा एन कैप, राइट। अब इसमें हम डालेंगे सीधी सीधी वैल्यूज। देखो बी की मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि एस टी को तो हम रिप्लेस किससे करेंगे, ए टू माइनस ए वन से, मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो एस टू को हम, अब ये देखो एस टी को आप ए टू माइनस ए वन से रिप्लेस कर देंगे, ए टू माइनस ए वन का आपने क्रॉस कर दिया बी वेक्टर के साथ, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड में ये क्रॉस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने बी इंटू पी टी, अब पी टी क्यों किया आपने, देखो ये चीज़ थी, दिस इज माई ए टू माइनस ए वन, ये थीटा था, ये बी था, ये पी टी डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ए टू माइनस ए वन जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ए टू माइनस ए वन इसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप था, तो ए टू माइनस ए वन साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, पी टी नहीं आएगा क्या, ठीक है। तो ए टू माइनस ए वन साइन थीटा कर दिया तो पी टी ले लिया उसकी जगह, ओके बी और एन कैप एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड उठा लेंगे ऐसे करके, तो मैंने जैसे इसका मैग्नीट्यूड उठाया एन कैप का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। पी टी मुझे निकालना है तो बी को नीचे भेज दो, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो, सो डी यानी कि पी टी का जो डिस्टेंस है वो क्या आया, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है। लेट सी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एल वन एंड एल टू हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। तो लाइन वन की इक्वेशन ये दी हुई है, लाइन टू की इक्वेशन ये दी है, तो अब यहाँ से आप, ये आपका बी वन है, ये आपका बी टू है, पहले आप फटाफट इसको देख लो कहीं ये पैरेलल तो नहीं है, तो टू ओवर थ्री नॉट इक्वल टू वन ओवर माइनस फाइव, तो ये पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्यू लाइंस है, तो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला सीधा उठा के लगा दो, ये आपको ए वन मिल जाएगा, ये आपको ए टू मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है कि ए का डॉट करते हैं हम, सॉरी ए टू माइनस ए वन का डॉट करते हैं हम किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू के उसके साथ यूनिट वेक्टर के साथ, तो बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाता है, डॉट करते हैं इसका। तो यहाँ पे इसने ए टू माइनस ए वन निकाल लिया, ए टू ए वन अलग अलग लिख लिया, बी वन बी टू अलग अलग लिख लिया, ए टू माइनस ए वन निकाल लिया, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लिया, अब हमें बड़े आराम से, ठीक है जी, अब बस उसको फॉर्मूले में पुट करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, सी ये बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और इस फॉर्मूले में डी में सिंपली हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा सीधा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आ जाए बी वन क्रॉस बी टू और इधर ए टू माइनस ए वन, सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट कम्स 12th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स एल वन एंड एल टू, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, सो लेट सी वॉट इज द डिफरेंस, ये एल वन हो गई, ये एल टू हो गई, ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये बी वन हो गया लैम्डा के बाद, और ये बी टू हो गया। अब टू ओवर टू, थ्री ओवर थ्री, सिक्स ओवर सिक्स, वैसे तो सेम ही है, बी वेक्टर दिख रहा है, दैट मीन्स दीज आर पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस हैं ये, अब इसमें आपने फॉर्मूला पैरेलल लाइन का लगा देना बस,
अब पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन का क्रॉस करेंगे बी के साथ, डिवाइडेड बाय बी कर देंगे उसका कैप उसका मैग्नीट्यूड के साथ, तो ए टू माइनस ए वन आपका, ठीक है, कैसे करेंगे आप, ए टू माइनस ए वन यहाँ निकाल लो पहले, ए वन ए टू ये बी, सो ए टू माइनस ए वन थ्री माइनस वन इज टू, ठीक है, ये लास्ट लाइन में इसने ए टू माइनस ए वन लिख लिया, बीच वाली रो में इसने बी लिख लिया। अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे, वैसे तो देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, पर जब निकालना तो एंड में मैग्नीट्यूड ही है हमने, तो माइनस साइन का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी भी कर सकते हो। ये निकाल लिया, नीचे बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर देखो फाइनली वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस फाइनल जो वैक्टर आया ऊपर उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल के और हमने डिवाइड करा, तो ये मेरा रूट 293/7 आंसर आ गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, यह पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1, N1, यह दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है L2, M2, N2, देन कम्स थर्ड लाइन के L3, M3, N3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये हमने चेक करना है। तो जब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कंडीशंस क्या चेक कर सकते हैं हम, कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो हमारा पहली दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट, 12/13 इंटू 4/13, सो इट इज़ 48/13, 13 इंटू 13 इज 169, फिर एल ये M1 इंटू M2 करेंगे, सो -36 ओवर 169, फिर -4 इंटू 3 करेंगे, सो -12 ओवर 169, तो आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो आ जाएगा, 36 12 48 माइनस का हो जाएगा, सो इट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका, दिस इम्प्लाइज कि लाइन 1 L1 एंड L2 या L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक सिमिलरली कि आपका L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 क्या ये ज़ीरो है, चेक लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम करेंगे 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, नीचे 13 इंटू 13 169, 12 इंटू -4 -48 169, 3 इंटू 12 36, तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से भी आ गया कि L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। फिर ऐसे ही लास्ट आप चेक कर सकते हैं L1 L3 का प्लस M1 M3 का प्लस N1 N3 का, चेक दिस। तो यहाँ पे 12 इंटू 3 36 बाय 169, -3 -4 +12 हो गया, -4 12 -48 बाय 169, फिर से ज़ीरो आ गया, ये सब एडअप हो गया। सो दिस मीन्स L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। तो देखो तीनों परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, L1 L2 के हो गए, L2 L3 के और L1 L3। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमें क्या शो करना है कि दो पॉइंट्स है मेरे पास, पहला जो लाइन है, दो लाइंस जो है कि 1-1 2 और 3-4 -2 से,
वो परपेंडिकुलर शो करनी है, 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से पास कर। तो इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, जो लाइन मेरी L1 है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, DR क्या हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 3 -1, 2, 4 -1, 5, -2, -2, -4। और जो मेरी L2 है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 0 -3 -3, DR डायरेक्शन रेशियो निकालो, 3 -5 -2, 2 -6 -4। ठीक है जी। अब आपको पता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये जीरो आना चाहिए। सो A1 इज कोई भी ले लो, L1 का ले लेते हैं पहले, 2 × -3 इज -6, 5 × -2 इज -10, -4 -4 +16 आ गया जी, ये तो जीरो। सो दैट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ 4 लगा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भी मेरा क्वेश्चन 2 की तरह ही है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल। अब मुझे पैरेलल प्रूव करना टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो इसमें हमें दो लाइंस हैं पैरेलल प्रूव करनी है। सो ये लाइन 1 ले लेते हैं, ये लाइन 2 ले लेते हैं। तो लाइन 1 के जो दो पॉइंट्स हैं 4, 7, 8, सेकेंड पॉइंट 2, 3, 4, L2 का पॉइंट इज -1, -2, 1, 1, 2, 5। ठीक है जी। सो नाउ DRs ऑफ लाइन 1, 4 - 2 कुछ भी ले लो, चाहे 2 - 4 कर लो, कोई भी पहले बाद में, तो जस्ट टेंटेटिव ले रहा हूँ। सो 4 - 2 इज 2, 7 - 3 इज 4, 8 - 4 इज 4। DR ऑफ L2, अब ऑर्डर सेम रखना, -1, -1, -2, -2, -2, -4, 1, -5, -1। ठीक है। अब पैरेलल के लिए क्या चेक करेंगे, A1 over A2, B1 over B2 और C1 over C2, क्या ये इक्वल है, लेट्स चेक दैट। तो A1 नीचे से उठा लो, 2, ये -2 L2 A2 सॉरी, B1 4 ऊपर से -4, फिर C1 4 ऊपर से -1, सारे -1 के बराबर आ गए। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो ये मेरा B वेक्टर मिल गया, इसके पैरेलल है, और ये मेरा इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये मेरा DR किसके आगे, पोजीशन वेक्टर 1 है। ठीक है। सो अब इसमें जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, R इज इक्वल टू A+λb। सो R इज इक्वल टू A इज व्हाट, ये वाला वेक्टर मेरा, तो i+2j+3k +λb। λb इज 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर -2k का। तो ये मेरी जी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। लैम्डा को भी डिफाइन कर दिया। अब ये तो है वेक्टर इक्वेशन, उसने मांगी नहीं है कार्टेशियन इक्वेशन, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इट इज़ क्वाइट ईजी। कार्टेशियन इक्वेशन इज क्या होती है, x -x1 ओवर a
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। तो क्या बन जाएगी जी, एक्स माइनस एक्स वन कितना है वन ओवर बी का कहां से उठाओगे ये थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू ओवर टू जेड माइनस थ्री जेड वन एंड माइनस टू, क्योंकि ये मेरे क्या होते हैं, ये एक्स वन वाई वन जेड वन होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, और इस बी के डायरेक्शन रेशियोज कोऑर्डिनेट्स नहीं डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिया। अगला है जी फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर। अब उसने स्पेशली बोल दिया एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दोनों में निकालना है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर दिस, इससे पास कर रहा है दैट मीन्स ये मेरा ए वेक्टर हो गया, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, अब इसकी डायरेक्शन में दैट मीन्स ये मेरा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी, वेक्टर इक्वेशन इज क्वाइट सिंपल, वेक्टर इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो आर इज इक्वल टू ए इज टू आई कैप माइनस जे प्लस फोर के कैप प्लस लेमडा एंड बी इज आई प्लस टू जे माइनस के कैप, वेयर लेमडा इज रियल, लैम्डा जो है एक रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो मेरी आ गई वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी आपकी, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे सो एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। अब बी के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी, और ए के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, तो बस वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो एक्स माइनस एक्स वन इज टू, देखो ना टू माइनस वन फोर आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया वन टू माइनस वन, बस पुट करो एक्स माइनस एक्स वन इज टू ओवर ए वन y माइनस वाई वन इज माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा ओवर b यानी कि टू इज इक्वल टू z माइनस जेड वन फोर ओवर c माइनस वन। आगे जी कार्टेशियन इक्वेशन, नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point this and parallel to the line this। तो आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ए वन आ गया मेरा, ए वन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए मुझे ये, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, अब इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, अब ये तो एक लाइन की इक्वेशन है ना, खुद ही एक लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन के अगर पैरेलल होगी तो ये लाइन खुद भी तो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये मेरा बी वेक्टर होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज आगे थ्री फाइव एंड सिक्स, क्योंकि ये लाइन जो है ये खुद इस लाइन के पैरेलल है, तो बी मेरा ये जो लाइन मैं बनाऊंगा वो भी इसके पैरेलल हो जाएगी। सो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, आर की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी डू इज एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। सो एक्स माइनस एक्स वन कितना हो गया, ए के ही एक्स वन वाई वन जेड वन है डायरेक्शन रेशियोज, और ये ए बी सी है। ठीक है, बी वेक्टर के पैरेलल के, सो एक्स माइनस एक्स वन माइनस टू तो प्लस हो जाएगा ओवर ए इज थ्री, वाई माइनस वाई वन फोर
बी फाइव है, जेड माइनस जेड वन माइनस फाइव है प्लस हो जाएगा, सी सिक्स है, ठीक है। तो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी हुई है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो अब मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। सी ये क्या है मेरा, जिसके पैरेलल होती है लाइन नीचे ए बी सी होते हैं, किससे कंपेयर करोगे, एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। तो नीचे जो होता है ए बी सी होते हैं, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, किसके डायरेक्शन रेशोज हैं, पैरेलल बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं ये। सिमिलरली ऊपर क्या मिलेगा आपको, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं, है ना, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो अब ये लाइन ए एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से पास कर रही है और 372 वाले वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए, ए वेक्टर कौन सा है, ऊपर वाला एक्स वन वाई वन जेड वन वाला, तो फाइव आई कैप, अब ये प्लस फोर है तो ये माइनस फोर हो जाएगा क्योंकि वाई माइनस वाई वन होता है। सो अगर आप लिखना चाहें तो एक्स वन इज इक्वल टू फोर, या एक्स वन वाई वन जेड वन इकट्ठे लिख दो, फोर सॉरी फाइव माइनस फोर एंड सिक्स, सो फाइव आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के आ गया आपका ये, क्योंकि मेरी जो वेक्टर इक्वेशन होती है उसका भी फॉर्मूला इफ़ यू वांट टू राइट इट इज ए प्लस लैम्डा बी। ए वेक्टर इज दिस एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ये मेरा आ गया सारा, प्लस लैम्डा बी, बी वेक्टर इज दिस, सो थ्री आई प्लस सेवन जे कैप प्लस टू के कैप, सो दिस इज माय आंसर वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, एक से ज्यादा है इसका मतलब, ठीक है, दैट पासिस थ्रू द ओरिजन एंड दिस। अब जो ओरिजन से भी पास करती है और इससे भी करती है, दो पॉइंट से पास करती है, तो ये लाइन्स वर्ड गलत है, यहाँ लाइन ही आएगा। क्यों लाइन आएगा, क्योंकि दो पॉइंट से सिर्फ एक और एक लाइन पास कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें पता है ये चीज़, यूनिक लाइन होती है। और वो तो आप यहाँ पे ओरिजन के ज़ीरो 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 ले लो डायरेक्शन रेशियोज या कोऑर्डिनेट्स, और ये पॉइंट मेरा दूसरा हो गया, दिस इज माई ए वन एंड दिस इज माई बी वन, ठीक है। सो दो पॉइंट से जो मेरी लाइन पास करती है उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, में क्या होता है बी माइनस ए हो जाता है, तो वन हटा दो, ए और बी ले लेंगे से बस, ठीक है, हमने ये कंसेप्ट में देखा था। सो आर इज इक्वल टू ए, तो आपका सीधा क्या ओरिजिन ही है, ए में तो कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ए तो ज़ीरो हो गया आपका, तो लेमडा बी माइनस ए क्या हो गया, सो बी में से इसे माइनस करेंगे फिर भी ये खुद ही रह जाएगा क्योंकि फाइव माइनस ज़ीरो इज़ फाइव, सो फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये मेरी वेक्टर इक्वेशन आ गई आपकी इस लाइन की जो इन दो पॉइंट से जा रही है। नाउ कम्स द कार्टेशियन इक्वेशन, सो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस एक्स वन ओवर ए, अच्छा a नहीं होगा, दो पॉइंट से पास कर रहा है सो a की जगह इट विल बी x2 टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन ओवर जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है जी। अब दीज आर एक्स वन वाई वन जेड वन डायरेक्शन रेशियोज, b के x2 y2 z2, ठीक है जी। सो क्या बनी इक्वेशन, x माइनस ज़ीरो ओवर x2 टू माइनस एक्स वन, फिर 5 माइनस ज़ीरो करोगे तो 5 ही आएगा, y माइनस ज़ीरो
और वाई टू माइनस वाई वन करोगे माइनस टू ही आएगा, एंड जेड माइनस ज़ीरो, जेड थ्री माइनस ज़ीरो इज थ्री। आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो एक्स बाय फाइव वाई ओवर माइनस टू इज इक्वल टू जेड ओवर थ्री। ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म आ गई जी। क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस। ये भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर हम ए ले लेंगे कि ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है इसका, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। सो मेरी जो वेक्टर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन वुड बी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। सो आर वुड बी इक्वल टू, वेक्टर ही होगा यहाँ भी, ए ए इज थ्री आई माइनस टू जे माइनस फाइव के, ठीक है। इधर से बन गया वेक्टर, प्लस लैम्डा बी माइनस ए। सो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस टू, नहीं माइनस टू माइनस माइनस टू, तो ये भी जीरो हो जाएगा। सिक्स माइनस माइनस फाइव, सिक्स प्लस फाइव, सिर्फ इलेवन के बच रहा है, ठीक है जी। तो ये मेरी वेक्टर इक्वेशन आ गई वेयर लैम्डा इज रियल, राइट। अब इसके बाद हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसमें हमारा क्या होगा, टू पॉइंट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो अब एक्स वन वाई वन जेड वन ए के मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं पहले पॉइंट के, और बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू जेड टू हैं, चाहे डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स हैं ये। तो बस आप वैल्यूज पुट अप करते हैं। सो एक्स माइनस एक्स वन इज थ्री ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो ज़ीरो हो जाए, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ये भी वाई माइनस वाई वन इज वाई प्लस टू हो जाएगा क्योंकि वाई वन इज दिस, और नीचे ज़ीरो आ जाए, इज इक्वल टू जेड माइनस प्लस फाइव हो जाएगा ये, जेड माइनस जेड वन जो है आपका, और नीचे जेड टू माइनस जेड वन इज सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो जाएगा, ठीक है। आप बिना देखे यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये आपका एक्स वन वाई वन जेड वन यहाँ लगा दिया, और ये आपका एक्स टू बी माइनस ए में ऑलरेडी आ चुका है आपका, नीचे वाले ए बी सी तो सी है सिर्फ, बाकी ज़ीरो है, राइट। तो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको एंगल ढूंढना है इन लाइन के पेयर्स के बीच में। फर्स्ट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की टाइप दी हुई है आपको ये, ठीक है। और दूसरी लाइन ये एल वन की इक्वेशन है ऊपर, लाइन टू की इक्वेशन आपको नीचे दी हुई है, ठीक है। ये भी ए प्लस लैम्डा म्यू बी के टाइप में दी हुई है। अब हमें पता है दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो उनकी पैरेलल लाइंस के बीच में होता है। तो लाइन वन किसके पैरेलल है, ये बी वेक्टर के, बी वन कह लो, और बी टू वेक्टर ये है इस लाइन के पैरेलल है। तो मेरा एंगल जो है जो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा वही लाइन वन लाइन टू के बीच में होगा। सो हम यहाँ पर निकाल लेंगे सीधा सीधा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी वन बी टू का डॉट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट, और इसका मॉड्यूलस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो ए वन ए टू थ्री इंटू वन इज थ्री प्लस टू इंटू टू बी वन बी टू इट इज़ फोर प्लस सिक्स इंटू टू 12 ओवर 3 का स्क्वायर
टू का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, टू का स्क्वायर इज फोर, थर्टीन, थर्टीन प्लस 36, 13 + 36 इज 49, 7 ही आ जाएगा बेसिकली। दूसरे में 1 + 2 का स्क्वायर 4 यानी 5, 5 + 4 9, ये आ गया 4 + 3 7, 7 + 12 19/7 और ये 3, तो मॉडुलस, वैसे तो प्लस ही है सारी वैल्यूज, तो मेरा जो कॉस थीटा है यानी थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा इज 19/21, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21, ये एंगल आ गया आपका दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच में। सेकंड, इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल निकालना है, L1 है ये L2 है, ये आपका B वेक्टर दिया हुआ है, B1 वेक्टर, ये आपका B2 वेक्टर दिया है, तो जो B1 B2 के बीच में होगा वही एंगल मेरा L1 L2 के बीच में होगा, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 का वेक्टर का डॉट करेंगे B2 के साथ डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 × 3 इज 3, -1 - 5 +5 हो जाएगा, -2 - 4 +8, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2, 2 + 2 का स्क्वायर इज 4, सॉरी 1 + 1 2, 2 + 4 इज 6, 6 आएगा ये। सो इसमें आप देखें कि अब क्या होगा, B2 का आप निकालेंगे 9 + 25 34, 34 + 16 इज 50, √50 मॉडुलस, तो इसमें आपका 5 + 3 8, 8 + 8 16, 50 में आप क्या करेंगे 25 × 2, सो 25 × 2 में से 5 बाहर आ जाएगा, आप 25 में से आप 5 बार निकाल लो, अच्छा कटेगा नहीं है, कंट्रोल जेड, अब इसमें भी √2 है तो एक और बार निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा 16/, इसमें √3 √2 है तो √3 छोड़ देते हैं, √2 बार निकालते हैं और √2 √2 2 हो जाएगा, सो 5 × 2 हो जाएगा ये 8, सो मेरा जो cos थीटा है वो आ गया 8/5√3, तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 8/5√3, सो ये मेरा एंगल है इन दो लाइंस के बीच में। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, सेम चीज़ है, कार्टिजन फॉर्म दे रखी है, तो अब कार्टिजन फॉर्म देखो आप, ये आपकी L1 की कार्टिजन फॉर्म है, ये लाइन 2 की कार्टिजन फॉर्म है, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये A1, B1, C1 है, इसके पैरेलल होती है लाइन, ठीक है जी, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ऐसे ही ये मतलब B1 वेक्टर के आपके कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ऐसे ही आपके B2 के कौन से हैं, B2 के आपके ये हैं, तो हम इसे A2, B2, C2 कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, ये B2 वेक्टर के, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही आपका एंगल होगा L1 L2 के बीच में, तो कॉस थीटा जैसे पहले किया, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 2 × -1 डॉट प्रोडक्ट, तो -2, ओके 5 × 8 40, एंड -3 - 4 इज -12, ओवर नीचे मैग्नीट्यूड 4 + 25 = 29, 29 + 9 इज 38, अंडर द रूट, इधर 1 + 64 = 65, 65 + 16 इज 81, राइट। ये सारा किस में रहेगा आपका, मैग्नीट्यूड में रहेगा, क्योंकि इसका मॉडुलस में रहेगा, मैग्नीट्यूड मुझे इसका निकालना है, तो ये आपका बन गया, कितना बन गया ये आपका 40, उसमें से आपने 14 माइनस कर दिया तो आपका 26 आ गया, ओवर यहाँ 9 निकाल लो 81 से बाहर, और 38 रह जाएगा आपका यहाँ पे, अब क्या रिड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता रिड्यूस, सो थीटा इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ 26 बाय 9 रूट 38, ये मेरा एंगल है L1 L2 के बीच में। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, तो इसमें देखो क्या है, इसमें भी आपको लाइन वन ये दी हुई है, लाइन टू ये दी हुई है, तो ये मेरा जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं ये आपके B1 वेक्टर के हैं, A1 B1 एंड C1, और दूसरे वेक्टर के अगर मैं निकालूंगा तो ये A2 B2 C2 हैं और B2 वेक्टर है, तो कॉस थीटा जो निकलेगा वो आपका डायरेक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, 2 × 4 8 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 × 8 8 ओवर 4 + 4 8 प्लस 1 9, इसका रूट सीधा 3, और इसका 16 + 1 17, 17 + 64 81, यानी रूट 9। तो ये आपका हो गया 8 + 8 16, 16 + 2 18, ठीक है जी, 18 ओवर 3 × 9, 9 × 2/3 आ गया, सो थीटा आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2/3, ये एंगल है L1 L2 के बीच में। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट द लाइन दिस एंड लाइन दिस आर एट राइट एंगल्स। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बहुत सिंपल है कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि नीचे मुझे ये पे बी वेक्टर मिल जाएगा जिसके पैरेलल ये है B1 वेक्टर, इधर से मुझे B2 वेक्टर मिल जाएगा, है ना, और राइट एंगल्स की कंडीशन क्या है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा, वेरी सिंपल कंसेप्ट इज़ वेरी मच ओके। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आप ऊपर फोकस करेंगे तो ये उस फॉर्म में नहीं है जिसमें हमें चाहिए, देख रहे हो आप, सेम वेज हेयर, ठीक है, एंड सेम वेज हेयर। तो पहले इसको करेक्ट करके ठीक लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, x − 1/-3, फिर इसको क्या लिखेंगे, 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 7 − 2/2/7 पी, ये ठीक है, z − 3/2। नाउ दिस इज माय लाइन वन, ओके, और नीचे के लिए लाइन टू के लिए इधर आप क्या करेंगे, एक तो आप 7 से डिवाइड भी करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 − x टाइप आ जाएगा इधर, तो इसे हम x − 1 करेंगे, तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, साइन भी जाएगा नीचे, तो −3/7, ठीक है, ये मेन डिवीजन लाइन है, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने −7 से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, y − 5/1, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से माइनस आप कॉमन लेके कर सकते हैं, तो z − 6/−5, ये इक्वेशन आ गई L2 की। अब चीज़ें सिंपल, अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या होती है कि आपका a₁ a₂ + b₁ b₂ + c₁ c₂ = 0 होता है, ठीक है, सो यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं, सो a₁ इज दिस और ये मेरा a₂ है, सो −3 × −3/7 P A2, ठीक है ना, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये नीचे वाला जो है ये वो है जो बी वेक्टर है, बी वन वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशोज हैं ये कॉम्पोनेंट्स या डायरेक्शन रेशोज, और ये नीचे वाले B2 है, ठीक है, तो ये B2 के हैं, तो ये मेरा A1, ये मेरा B1 और ये मेरा C1 है, और ये मेरा A2, ये मेरा B2, ये मेरा C2, आप इसको निकाल के एक अलग वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, पेपर में आप ऐसे लिखना, b₁ = −3i + 2/7 pj + 2k, इस टाइप का प्रॉपर मेंशन करना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मेन मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ।
सो प्लस बी वन बी टू अगेन 2/7p इंटू वन इज 2/7p प्लस सी वन सी टू इज 2 इंटू माइनस 5, तो ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7 तो आ ही रहा है, तो यह 9p प्लस 2p माइनस 70, 7 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू उधर भेज देंगे 7 को, 0 रहेगा। सो 11p इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, और p इज 70/11, तो मुझे p की वैल्यू ही निकालनी थी। नाउ 13th क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइन वन लाइन टू, अब वही बात है कि अगर इनके जो ये लाइन वन जिसके पैरेलल है, अगर बी वन जो है वो बी वन डॉट बी टू आपका जीरो आ गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। तो लाइन वन का बी वन जिसके पैरेलल है वही है कंपोनेंट्स, और बी टू के ये रहे, तो आप निकाल दीजिए कि 7 × 1 प्लस माइनस 5 × 2 प्लस 1 × 3 कितना आ जाएगा, 7 − 10 + 3 आ गया 0 के बराबर। सो दिस इम्प्लाइज कि लाइन वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन लाइन वन एंड लाइन टू। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस b वेक्टर पे ध्यान से देखना है, जिसके लाइन वन b1 जो है जिसके l1 पैरेलल है, और इस b2 वेक्टर पे, तो इनके कंपोनेंट्स को देखना क्या ये लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू, सबसे पहले आप 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1/1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसके बीच इसके चक्कर में ये ख़राब हो रहा है, दैट मीन्स दीज आर स्क्यू लाइन्स। तो मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि स्क्यू लाइंस है कि पैरेलल लाइंस है। वंस इट इज़ डिसाइडेड दैट इट इज़ अ स्क्यू लाइन, दीज आर स्क्यू लाइंस, तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ a2 − a1। इसका हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं किसके साथ, b1 × b2 कैप के साथ, तो मतलब इसका वेक्टर लेके यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे क्रॉस को, ठीक है जी। अब a2 इज दिस, a1 इज दिस, b1 इज दिस, ये है, और b2 ये नीचे वाला है। तो सबसे पहले व्हाट वी वांट कि हम इसमें से b1 × b2 कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। सो b1 × b2 अगर मैं यहीं पे साइड में ही करूँ, ये मेरा b1 × b2, सो ijk राइट, b1 इज 1 − 1 1 एंड नीचे 2 1 2, ठीक है, तो इसका हमने निकाल देना है। तो b1 × b2 हम इसे निकाल रहे हैं, सो ये कितना आ गया, i माइन ये 2 1 2 है, −2 − 2 −4 माइनस j लेते हैं, सो 2 − 2 0 हो जाएगा, ये प्लस k लेते हैं, 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा जो b1 × b2 वेक्टर आया वो मेरा क्या निकल के आया, ये निकल के आया जी मेरा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये i में, ये i भी देखो, ये सॉरी ये i जो है −3 बन रहा है, देखो −2 − 1 है ये, तो इट इज़ ऑल्सो −3, ठीक है, तो ये हो जाएगा −3i + 3k, ये वेक्टर हो गया मेरा b1 × b2 का। अब इसका आप अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3√2 ही आ जाएगा, सिंपल 9 + 9 = 18, सो 18 इज 3√2। अब आपकी ये दो वैल्यूज आ गई, अब a2 − a1 भी निकाल लो, या एक काम करेंगे उसको हम डायरेक्ट जो है उसमें ही पुट कर देंगे, तो a2 − a1 2 − 1 1 आ गया, −1 − 2 − 3 आ गया, −1 − 1, ठीक है, तो ये −2 आ गया, तो ये मेरा a2 − a1 आ गया।
डॉट करेंगे किसके साथ, इसके साथ बी वन क्रॉस बी टू, सो माइनस थ्री आई प्लस थ्री के कैप, अपॉन में करेंगे थ्री रूट टू, और इन सब का डिस्टेंस है निकालेंगे मैग्नीट्यूड। चलिए ये सारी वैल्यूज आ गई तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, तो ये आ जाएगा वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, ये ज़ीरो है इसके सामने तो ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स ओवर थ्री रूट टू, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा नाइन बाय थ्री रूट टू, मैग्नीट्यूड है सिर्फ पॉजिटिव लेंगे सो थ्री बाय रूट टू, अगर आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो थ्री रूट बाय टू, ये मेरा डिस्टेंस है दोनों स्क्यू लाइन्स के बीच में। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आप कार्टिजन फॉर्म दे रखी हैं, ठीक है जी, ये लाइन वन दे रखी है आपको और ये लाइन टू दे रखी है, सो इसमें आप अगर डायरेक्शन रेशोज किसकी बी वन की देखेंगे, ठीक है, तो क्या है ये और ये, और इनका कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है बी टू से, तो ये भी स्क्यू लाइन्स हैं। चेक करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि सेवन ओवर वन इज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स ओवर माइनस टू इज नॉट इक्वल टू वन ओवर वन, सो दीज आर स्क्यू लाइन्स। तो फिर से स्क्यू लाइन्स का ही फॉर्मूला लगेगा, तो स्क्यू लाइन्स के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए टू माइनस ए वन निकालें या बी वन क्रॉस, ए टू माइनस ए वन बहुत सिंपल है, चलो निकाल लेते हैं पहले उसको ए टू माइनस ए वन, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, जस्ट वेट, डिस्टेंस का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है, फॉर्मूला लिखने का मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ, क्यों नहीं छोड़ता हूँ, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इससे याद होते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांस मिलता है मुझे बार बार लिखने का, तो इसलिए मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूँ, ये फॉर्मूले भूल भी जाते हैं, तो इसलिए जितनी बार लिखो उतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा। सो अब इसमें आप ए टू माइनस ए वन की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वेक्टर है ये, तो ये हो जाएगा, ये देखो ए वन क्या है, ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके, अच्छा ये ए वन है और ए टू ये है लाइन टू का, सो ए टू विल बिकम थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप, माइनस ए वन वुड बी माइनस वन, क्योंकि प्लस वन है तो ये माइनस वन आई कैप, ओके, माइनस वन जे कैप, तो माइनस जे कैप लिख सकते हैं आप, माइनस के कैप, तो ये ए टू माइनस ए वन इज थ्री, अच्छा इसके साइन चेंज कर दो, थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर आई, प्लस फाइव प्लस वन इज सिक्स जे, प्लस सेवन प्लस वन इज एट के, तो ये मेरा ए टू माइनस ए वन हो गया, इसको यूटिलाइज करेंगे हम। फिर आप कैलकुलेट किसको करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे अब बी वन क्रॉस बी टू को और उसके मैग्नीट्यूड को, सो बी वन वेक्टर इज, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हम बी वन क्रॉस बी टू निकाल रहे हैं, सो आई जे के, बी वन के कॉम्पोनेंट्स सेवन माइनस सिक्स वन, बी टू के कॉम्पोनेंट्स वन माइनस टू वन, चलो सो बी वन क्रॉस बी टू इज I माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस फोर हो जाएगा, माइनस जे कैप सेवन माइनस वन सिक्स, प्लस के कैप माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स माइनस एट, सो बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड भी यही निकाल लेते हैं, सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स
प्लस 64 अंडर द रूट, सो 116 का अंडर रूट, सो ये आपका आ गया 4 इंटू 2 8 36 29, तो 4 से रूट से बाहर निकालो 2√29। तो अब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालना है मुझे। सो A1, अच्छा D जो है अब A2 माइनस A1 की जगह ये वेक्टर, इसका डॉट करेंगे हम इस वेक्टर के साथ B1 क्रॉस B2 के साथ। सो 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, 8 इंटू माइनस 8 माइनस 64 ओवर B1 क्रॉस B2 का 2√29। तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड के लिए मॉड्यूलस लगाएंगे। अब कितना आ गया, ये 100 आ गया, फिर से माइनस 116, और 2√29 कहाँ से आया था, रूट से ही नहीं आया था क्या? तो 2√29 को फिर से √116 ही लिख दो। आप देखो तो ये √116 ही आ गया, यानी कि 2√29 आ गया आंसर। सो ये मेरा डिस्टेंस है दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये दे रखी है आपको नीचे, लाइन 1 की दे रखी है और लाइन 2 की, जैसे और क्वेश्चंस में दी हुई थी सेम वही है। डिफरेंस क्या है, इफ़ यू सी क्या देखते हैं हम इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वेक्टर इक्वेशंस दिए, ये देखते हैं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो ये कौन सी लाइंस है, 1/2, ये -3/3 और 2/1, सो दीज आर ऑल्सो स्क्यू लाइंस। तो लगा देते हैं इसमें स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला। सो मैं इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो लास्ट दो क्वेश्चंस में लगाया था, A2 - A1, ठीक है जी। सो A2 इज दिस 4 माइनस, पर इसमें वो तो लगाना ही पड़ेगा आपको, B1 क्रॉस B2, ठीक है चलो वो भी शॉर्टकट से निकाल लेंगे। सो A2 - A1, 4 - 1 = 3 है आपका, हेडिंग डाल देता हूँ बस उसके सामने लिख रहा हूँ। सो 4 - 1 = 3, 5 - 2 = 3, 6 - 3 = 3, B1 cross B2 different color, this one नहीं, क्या हो गया यार, B1 cross B2 direct method i cap, so -3, अच्छा है भी तो नहीं नीचे, एक दूसरे के गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, -3 - 6 - 9, ओके प्लस जे 2, अगर माइनस जे लोगे तो सीधा करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस जे लोगे तो फिर इसको इससे पहले करते हैं, सो 2 - 2 = 4 और 1, 4 - 1 = 3 प्लस के 1 × 3 = 3 एंड 2 × 3 - 6, तो ये भी आपका 3 + 1 × 3 = 3 + 6 होगा, सॉरी ये 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल गो फॉर B1 cross B2 का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 81 + 9 + 81, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 + 9 = 10, 10 + 1 = 10 + 1, यस 11 9 9 + 8 7 171, ठीक है जी। तो ये अब 9 से ही जा रहा है, 9 × 1 = 9 और 81 9 × 9, तो 9 × 19 आ गया, तो मेरे हिसाब से बाहर इसमें कुछ नहीं निकलेगा। सो ये आपका 9 × 19 जो है, इसमें से बाहर सिर्फ 3 निकाल सकते हो आप, 19 यहीं रह जाएगा।
अब आप इसमें क्या करेंगे, अब नाउ वी विल गो फॉर दिस डायरेक्ट फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, इसका डॉट करेंगे इसके साथ, सो माइनस 27 थ्री इंटू थ्री नाइन, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो हमने पीछे बहुत बार लिख लिया, प्लस 27 ओवर थ्री रूट 19 मॉड्यूलस, 27 से 27 गया, ये क्या आ गया आपका 3 से 3 भी चला जाएगा, 3 ओवर रूट 19 आ गया ये आपका। सो अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं यहाँ छोड़ो, या इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज करो। सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये पहली इक्वेशन है लाइन वन की एंड ये लाइन टू की इक्वेशन है, तो ये उस डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं है जिसमें हम चाहते हैं, तो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू द डिज़ायर्ड फॉर्मेट। तो पहले लाइन वन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू वन, आई कैप कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, वन इंटू आई कैप माइनस टू इंटू जे कैप इज माइनस टू जे कैप, थ्री इंटू के कैप इज प्लस थ्री के कैप, ठीक है जी, ए वेक्टर बन गया ये। प्लस अब टी जो है, आप इसको किसका टी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो टी आई कैप माइनस आई कैप, क्योंकि टी माइनस टी आई है ना, तो टी को तो कॉमन ले लिया तो टी आई, अब यहाँ कितना होगा टी जे कैप, सो प्लस जे लगा सकता हूँ, टी जे कैप बन गया, प्लस माइनस टू टी है तो माइनस टू के कर सकते हैं हम टी, क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या बनेगी, देखो वन इंटू आई कैप माइनस वन इंटू जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ये वाला माइनस, तो प्लस अब इसमें क्या है एस है, एस को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में ही एस है, तो यहाँ से क्या आएगा वन इंटू आई आई कैप, यहाँ से टू इंटू जे प्लस टू जे कैप, यहाँ पे माइनस टू इंटू के, एस मेरा कॉमन है, तो अब ये मेरा डिज़ायर्ड फॉर्मेट्स बन गया, ये लाइन टू हो गई और ये लाइन वन हो गई। अब इसमें मेरा ये जो अगर मैं इनका वो करूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये देखो कि ये बी वन हो गया वेक्टर, ये बी टू हो गया वेक्टर, ठीक है, और ये ए वन हो गया वेक्टर, ये ए टू हो गया वेक्टर। सो अब आप देखेंगे कि ये दो लाइंस भी स्क्यू लाइंस हैं, क्योंकि माइनस वन ओवर वन इज नॉट इक्वल टू वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू माइनस टू बाय टू, ठीक है जी, तो ये भी स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइंस होने से क्या हो गया, अब आपका अब हमारा जो फॉर्मूला है सीधा वाला फॉर्मूला, अगर आपने एक बार और लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो हम कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन का डॉट करते हैं हम बी वन क्रॉस बी टू के साथ डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, सिर्फ बी वन क्रॉस बी टू के मैग्नीट्यूड के साथ, सॉरी मैग्नीट्यूड और इन सब का मैग्नीट्यूड, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कि आपने जस्ट वेट, सो ए वन ए टू माइनस ए वन कर लेते हैं यहाँ से, सो वन माइनस वन इज ज़ीरो, तो ये आपका ए टू माइनस ए वन, वन माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, इधर माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, सो माइनस वन प्लस टू इज प्लस वन, इधर माइनस वन माइनस थ्री तो माइनस फोर के हो जाएगा, ये ए टू माइनस ए वन हो गया। नेक्स्ट कम्स बी वन क्रॉस बी टू, सो बी वन क्रॉस बी टू भी मैं एक अलग ही कलर से निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा बी वन क्रॉस बी टू आई कैप,
आई कैप के लिए आप क्या करेंगे, माइनस टू प्लस फोर, तो प्लस टू हो जाएगा। फिर प्लस जे के लिए माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, प्लस के लिए ये हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी वन क्रॉस बी टू, ये हो गया आपका फोर प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन, तो 29 रूट आ गया। फॉर्मूले में डाल देते हैं, सब कुछ हमारे पास है। सो सबसे पहले ये आ गया आपका ए टू माइनस ए वन, इसका डॉट करेंगे बी वन क्रॉस बी टू के साथ, इसका डॉट करना है इसके साथ। सो आई इधर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर जे वाला आपका यहाँ वन है, यहाँ पे माइनस फोर है तो माइनस फोर। फिर यहाँ पे के वाला माइनस फोर है, यहाँ माइनस थ्री है, प्लस ट्वेल्व ओवर बी वन क्रॉस बी टू का मॉड इज और मैग्नीट्यूड इज रूट 29, तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। सो इट इज़ एट ओवर रूट 29, और रैशनलाइज करेंगे तो एट रूट 29 ओवर 29। दीज आर माई, कोई सा इनमें से आपका आंसर की फॉर्म ले सकते हैं।